कि फ्रेंड्स ये है हमारा मंदिर। कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है, पूरा दिखाते दूर से। ये भी तो छह यही भैया, यही डिजाइन सही है तोते में। हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छी होंगी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज मैं करने वाली हूँ अपने मंदिर की सफाई, तो बने रहिए गाइस। हमारी हो चुकी है और ये कपड़े हैं ना मंदिर के पर्दे वर्दे, इनको भी धुल लेते हैं। और ये कुछ मंदिर के बर्तन है, इनको भी धुल लेते हैं। सफाई तो मैंने अच्छे से कर दी है, ये सूख जाएंगे तो कल मैं इनको लगा दूंगी। अभी चलिए धुल लेते हैं इनको पहले। सो फ्रेंड्स मंदिर की सफाई भी हमारी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े सारे धुल के डाल दिए थे मंदिर के, तो अभी उठा के ले आई हूँ, सूख गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मंदिर को डेकोरेट कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आज है धनतेरस। तो आप सभी को हमारी और हमारी फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। तो चलिए फ्रेंड्स मंदिर को अपने कर देते हैं डेकोरेट। और लड़ियां तो हस्बैंड जी ने बाहर गेट पे लगा दी हैं, दिवाली आने वाली 2 दिन के बाद दिवाली है फ्रेंड्स, तो लड़ियां भी लग चुकी हैं। वो शाम हो जाएगी तब आपको दिखाएंगे, तो लड़ियां तो लग गई हैं, जलाएंगे फिर दिखाएंगे। और चलिए पहले अभी मंदिर की अपनी डेकोरेशन कर लेते हैं और उसके बाद कुछ लाएंगे धनतेरस पे तो पूजा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं। सारे कपड़े धुल दिए थे ना, सूख गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये देखिए ये कितनी साफ हो गई ना, कितनी गंदी थी उस दिन, ये सारा साफ हो गया है।
फ्रेंड्स, ये है हमारा मंदिर। कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है, पूरा दिखाते दूर से। ये देखिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा लगाने की कोशिश करी लेकिन मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो वो हस्बैंड जी आके लगाएंगे। और ये देखिए बच्चे को चल रही है यहाँ पे मस्ती। और मुझे करना है थोड़ा सामान सेट बाबू के लिए। एक हैंकी भी निकालनी है, जो पुरानी थी वो खराब हो गई है, तो नीचे से बेड में रखे तो निकाल लेती हूँ। आशी अन्याशी, अब भाई की चल रही है मस्ती। आदर्शु बेटा, आदर्शु बेटा भी परेशान होता है और साथ में इसकी बहनें भी, क्योंकि इनकी बहनों को बिल्कुल भी खिलाना आता नहीं है, भाई खिलाते कैसे। सो फ्रेंड्स, हम लेके बैठ गए हैं अपना खजाना। और ये देखिए हमारे पास एक डब्बा है, जो कि हस्बैंड जी गए थे गाँव तो वहीं से लेके आए थे, आगरे का पेट है। तो मैं सोच रही हूँ इस डब्बे का कुछ तो यूज करना चाहिए ना, फालतू बड़ा वेस्ट। जो ये भी हस्बैंड जी गए थे गाँव तो लेके आए थे आगरे का पेटा, तो इसमें देखिए मैंने बच्चों की ज्वेलरी सारी, मतलब जितने भी चूड़ी उड़ी सब है ना, ये सारे चूड़ी, हेयर बैंड, ब्रेसलेट, ये देखिए सारे के सी चीज मैंने बच्चों की इसमें सेट कर दी थी। अब मैं सोच रही हूँ इसका क्या करूँ, कुछ रख लेती हूँ। और बाबू के लिए मेरे को एक रुमाल भी निकालना था, क्योंकि ये रुमाल तो बच्चों के कंचकों में मिल जाते हैं ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे रुमाल है, तो मैं सोच रही हूँ एक बाबू के लिए एक रुमाल निकाल लेती हूँ, इसमें बाबू हमारा नक्की पूछेगा। और अपनी लाल, क्या कर रही है आशी, मुरली बजा रही हेलो तुम्हें चश्मा लग गया ना, चश्मा बोला डॉक्टर ने लगाने दो, फोन क्यों देख रहे हो ये बता पहले। चश्मा बोला डॉक्टर, चश्मा लगेगा तुम्हें, तुम फोन देखते रहते हो। इतना ज्यादा पैसा हो गया, 100 रुपए सब लोग आ चुके हैं, थोड़े से बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ खाने पीने में क्या बनेगा। फ्रेंड्स, थोड़े से बर्तन चलिए धुल लेते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं बाहर, कुछ लेके आते हैं धनतेरस के लिए। क्या तो घर जाके देखा लग रहा है आपके सामने, ये वाला।
ऐसे में नहीं मिलेगा। आप यहाँ दिखाना था उनको, दिखा ले भाई माता रानी को मंदिर में चुका था शून्य आप हो गया। चलिए फ्रेंड चलते हैं, सामान तो ले लिया हमने। ये देख लो येलो वाला, येलो वाले कितने थे? येलो वाले 120 क्या थे? हैं 120 क्या थे? फाइनली फ्रेंड्स घर पहुंच चुके हैं और सामान ले आए हैं। क्या सामान ले आए हैं अभी दिखाएंगे, और पूजा भी करनी है तो पूजा भी करेंगे। ये है यूज के सामान लाए, फालतू चीज नहीं लाए हैं। ये हमारी घंटी खराब हो गई थी मंदिर के लिए, तो ये देखिए पीतल की घंटी लाए हैं। और ये है तसला, ये भी हमको चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा जब काम था तो फिर ये चाहिए था, तो ये भी एक बड़ा तसला है, बाद में काम आ जाएगा फ्रेंड्स। तो और ये लाए हैं झाड़ू, ये देखिए झाड़ू लाए हैं कि पूजा करेंगे आज। और ये सामान ये लाए हैं, ये डेकोरेशन का, ये कल डेकोरेट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे, इसको अभी नहीं दिखाएंगे। बाकी यही सामान है, भी आप देख लीजिए। फ्रेंड्स फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है, अब देखते हैं खाने पीने का क्या इंतजाम है। पता नहीं, भाई बोल रहा है बाहर से लाओ बाहर से लाओ, और मैं सोच रही हूँ घर बनाती हूँ, तो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। क्या लाया है खाने में? ये देखिए खाना आया है आज हमारे घर बाहर से। ये रहा मटर पनीर, और ये रही रोटियाँ, ये रहा सलाद। चलिए निकाल लेते हैं खाना, फिर खाते हैं मटर पनीर। फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अब सोने। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये देखिए गाइस आदर्श बेटा, ये भी जा रहा है सोने। तो चलिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट।